फ्रेंड, मैं तनवीर, आप देख रहे हैं तनुष ग्रुप। आज मैं आप लोगों के सामने एक बात बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है तो आप उस आधार कार्ड को प्लास्टिक आधार कार्ड हार्ड कॉपी उसका कैसे बना सकते हैं। जिस तरह से पैन कार्ड देखते हैं आप, जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं, उसका जो है आधार कार्ड जो है बहुत ही हार्ड होता है, उसी तरह का आप आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो मेरे स्टेप को फॉलो करें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाया जाता है, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से सिर्फ 50 रुपये में। तो वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसमें टाइप करेंगे UIDAI, इसको सर्च कर दें। इसको सर्च कर देने के बाद आपको यहाँ जो है सबसे पहले वाले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ से आप जो है ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑर्डर आधार PVC कार्ड, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप आधार नंबर इसमें डाल सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ जो है आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ चेक मार्क करके उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले सब कुछ कर लेता हूँ, आधार नंबर डाल लेता। और यहाँ एक बात मैं बता दूँ, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर नहीं है तो यहाँ आप चेक नहीं करेंगे। ये जो यहाँ चेक बॉक्स है, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो चेक बॉक्स करेंगे, अगर नहीं है तो इसमें चेक बॉक्स नहीं करना है। अगर उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ बॉक्स में आप जिस नंबर पे आप OTP मंगाना चाहते हैं, आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ फिल करने के बाद आप जो है उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल कर देना है। मेरा यहाँ नंबर रजिस्टर है, मैं यहाँ डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट ही OTP के लिए सेंड करेंगे, उसके बाद जो है कुछ देर का वेट करेंगे। जैसे भी देखिए मेरे पास यहाँ एक OTP आ चुका है, मैं यहाँ इस OTP को फिल कर रहा हूँ। OTP फिल कर देने के बाद आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन को चेक कर देना है, उसके बाद यहाँ सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ आधार कार्ड शो कर जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहां देख सकते हैं यहां नीचे में मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहां डायरेक्ट पेमेंट के लिए आपको यहां भेज देगा। आप यहां किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप अगर कार्ड से करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, UPI से करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें। मैं यहाँ नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ स्टेट बैंक में खाता है तो इसको जो है प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद मैं यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लूँगा। मेरा यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ इसमें लॉगिन हो चुका हूँ नेट बैंकिंग में। उसके बाद यहाँ जो है नीचे में देख सकते हैं 50 रुपये का अमाउंट कटेगा, रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है और वर्ड में भी अमाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ
कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ अकाउंट नंबर सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ मेरे नंबर पे एक सिक्योरिटी पासवर्ड आ गया होगा, उसको मैं यहाँ OTP फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं मेरा जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और हमको ये रिसिप्ट भी दे दिया गया है। अमाउंट इतना रुपया कटा, आधार नंबर इतना था, ट्रांजेक्शन जो है सक्सेस हो चुका है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन नीचे में है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ मेरा डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उसके बाद इसको उसके बाद अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो नीचे में देख सकते हैं चेक स्टेटस। चेक स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कार्ड जो नीचे में दिया हुआ है सिक्योरिटी कोड, इसको डाल लेना है। डाल के उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।